अब हम जा रहे हैं मैक्लियोडगंज। मैक्लियोडगंज यहाँ से है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का ड्राइव। मैं देखो उन पहाड़ों के पीछे जाना है, वो रास्ता निकल जा रहा है, उस रास्ते पे जाना हमने। हमारे घर जा रही है, वो आ रहे हैं, उनको रोक दिया गया है। हमारी गाड़ी जा रही है, होगा नहीं उनको देखो। ओके इधर दिखाओ ना सामने, हमको रोका क्योंकि ये पहाड़ तोड़ रहे हैं। हमें इसलिए रोका गया है क्योंकि ये पहाड़ को तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे वो आ रहा है तो कैसे निकलेंगे, इसलिए रोका, वहाँ से शुरू कर दिया। जाएंगे भाई, वो भी आ रहे हैं। हाँ जी वो आ रहे हैं, हम जाएंगे। अब भैया एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा अच्छा, वहाँ थोड़ा तंग है ना ब्रिज। ओके ओके, इसलिए रोका। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया काम कर रहा है तुम मकसूद भाई। मकसूद नाम उसका, डायलॉग है डैडी मूवी का। हाउ डू यू नो, सामने देख रहा क्या, दिखाओ उधर, दिखाओ उधर। नगरोटा भगवती की, अबे नगरोटा लिखा है वो, माँ है वो। अबे नगरोटा है, ओ ना है। अबे दूध के ना के बाद माँ है क्या क्या, माँ का डंडा चीरा हुआ है देखो। नगरोटा नहीं तो नगरोटा होता है उल्लू, तुमने क्यों कर रखा है फिर। मैंने चश्मा पहना हुआ है, मेरे को कुछ झुटला नहीं सकते आप। तो जी अभी 259 ऑलमोस्ट 3, और ऐसा रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। और हम यहाँ इस पत्ते में देते थे भैया, पत्ते में देखे थे। तो जी मैगी खा रहे हैं, मैगी ब्रेक है एक, और मैगी बहुत बढ़िया बने अंकल ने, और वो आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। मैगी खाएंगे फिर आगे जाएंगे। तो जी मैगी खा ली 3:33, और अब हम लोग निकल गए आगे, और रास्ता भाई साहब मजा आ रहा है। तो भाई हम लोग आ गए हैं कांगड़ा, और सामने पहाड़ देखो, पहाड़ ऐसा बादल में मर्ज हो रहा है बिल्कुल, पहाड़ की चोटी दिख ही नहीं रही है, बादलों में अगर कैमरे में दिख रहा हो तो, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, मगर बहुत मस्त है। फोर थर्टी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो थोड़ी देर ब्रेक दिया है, ये हो जाएगा फिर हम लोग यहाँ से पास करेंगे। हम लोग 10 मिनट दूर है मैक्लोडगंज से, मतलब मैक्लोडगंज के ऑलमोस्ट पास ही है। उधर से देखो वो सिटी दिख रही है जो नीचे। तो जी 4:50 और मैक्लोडगंज का मेन स्क्वायर है ये, और हम पहुँच गए उधर, बहुत ठीक है। इस तरफ देखें, इस तरफ देखें। तो जी अभी 6:11 और हमने रूम ले लिया है मैक्लोडगंज में। बहुत घूमने के बाद मिला, पार्किंग का बड़ा इशू है यहाँ पे, होटल्स के पास अपनी पार्किंग नहीं है, वो लोग पेड पार्किंग है वहाँ पे कराते हैं। ये रूम है, ये एंट्रेंस है, ये वार्डरोब है, ये वॉशरूम है, और ये सामने व्यू, व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाकी बाद में उठ के दिखाऊंगा, अभी मैं थक गया। छत पे से भी अच्छा व्यू है, और ये टीवी है। तो जी अभी 8:24 और हम लोग मार्केट घूमने निकल गए बीर में, सॉरी मैक्लोडगंज में, मेरे को बीर लग रहा था। तो यहाँ से आगे जाएंगे फिर कुछ देखेंगे खाने पीने का। वो तो जी 10:01 और ये हमारे होटल का रूफ टॉप है, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। तो आप यहाँ से ऐसा व्यू है, बहुत बढ़िया। और ये मार्केट है इधर,
हवा है ना, अब रात हो गई है तो हम दो दिन से बाहर घूम रहे हैं। चिंतपूर्णी हो के आए हैं, फिर ज्वाला जी हो के आए हैं। अब हमने रात का डिनर भी खा लिया। डिनर खाने के बाद हम इतने थक गए कि हम अपने रूम में आ गए, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। नहीं, काफ़ी अच्छा खाना था और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अंकल की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमने यहाँ पेस्ट्री भी खाई, खाना खाया और चीज़ केक था वो। नई नई चीज़ें हमने चेक करी यहाँ पे। इधर देखो अंकल की तैयारी कर रहे हैं। और अब हम कल जाने की प्लान बना रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। ये तो फिलहाल मेरी फोटो आ रही है। हेलो हेलो, ये घर से लैपटॉप लेके आया था, तो लैपटॉप में अब डिसाइड करेगा कि कल कहाँ कहाँ जाएंगे और रात की नाइट हम कहाँ बिताएंगे। रूम बहुत अच्छा है, रूम भी अच्छा है, यहाँ की कैंटीन भी बहुत अच्छी है। सुबह जल्दी उठेंगे और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, मानो कि जैसे नवंबर दिसंबर की ठंड पड़ रही है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है यहाँ का। कल यहाँ का सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे। चलिए, यहाँ का रूम बहुत बढ़िया। अरे यार इतना है, ये अपने फोन पे कर लो, जाओ ये अपने फोन पे कर लो, मेरे फोन पे लगा दो। चलिए, गुड नाइट। सी नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी 9:43 इन द मॉर्निंग और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ बाहर ऐसा दिख रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लियोडगंज। ओके, थोड़ा हमारे यहाँ सामान फैला हुआ है। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा। कौन सी जगह आए हम? मैक्लियोडगंज हैं। बकलोडगंज। मम्मी को फाइनली बोलना आ गया, मैक्लियोडगंज कैसे बोलते हैं। चलो ओपन ब्रेकफास्ट करके आते। तो जी अभी हम ब्रेकफास्ट करने के छत पे आ गए और पीछे से व्यू बहुत सही है। अभी ये देखो बैठे हैं, नानी से बात कर रहे हैं और यहाँ से क्रिकेट का रास्ता है। मैंने रात को भी दिखाया था, और से दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसा दिखता है। तो जी अभी टाइम हो रहा है 10:03 और हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। काय काय के पराठे हैं, पनीर का, पनीर आलू मिक्स। मम्मी हम कौन सी जगह आए हैं? मैक्लोडगंज। कहाँ है? मैक्लोडगंज। और यहाँ पे ऐसा व्यू है और ये हमारा वर्क फ्रॉम एनीवेयर है ऐसे व्यू के साथ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह। कॉफ़ी और चाय आ गई और थोड़ी सी कॉफ़ी यहाँ गिर गई मेरे पराठे में भी, लैपटॉप बच गया। कोई नहीं, व्यू के मजे लो। इधर फोटो खिंचवा जाओ, इधर इधर।
ये मेन स्क्वायर है और यहाँ पे ऑटो स्टैंड है बागसूनाथ वाटरफॉल के लिए, ऐसे यहाँ से ऑटो मिलेगा और इधर से ही जाएगा। हमारे को ये वाला ऑटो मिला है, नंबर इसका ये है। हाय हाय, मम्मी तो ऑटो में भी नहीं घुस पा रही। क्या ऑटो भी मैं चलाऊं क्या? ये ऑटो चेंज, उसमें नहीं जा रहे अब हम, इसमें जा रहे हैं। फिर से घुसेगी मम्मी, स्ट्रगल। भाई तुम्हारा गेट छोटा है क्या, इतना मोटी हूं? गेट छोटा नहीं है। हे भगवान, तो जी 11:11 और हम लोग निकल गए यहाँ से बागसूनाथ वाटरफॉल के लिए। और यहाँ पे जाम है, इधर भी, इधर भी। ये मेन स्क्वायर से हम लोग इधर जा रहे हैं। तो जी यहाँ से उतर गए, यहाँ पे हम उतरे, यहाँ से उतारे, इस तरफ जाना है तो यहाँ जाम लग रहा है, भैया ने हमें यहीं उतार दिया। यहाँ से 1 किलोमीटर जाना है अभी पैदल। यहाँ भी सही जगह है, यहाँ भी रुक सकते थे हम। तो जी यहाँ पे हो गई शॉपिंग चालू और मार्केट बहुत अच्छी है यहाँ की, ये बहुत प्यारी मार्केट है। तो जी शॉपिंग हो गई और चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एड्रेस। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है नया अवतार। बैटरी लेके अब हम लोग आ गए हैं। जी पूरा फॉल नीचे देख के भी चलना। हाँ तो जी वो फॉल है और ये रास्ता है, तो अभी हमारा यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि यहीं से बस वापस चले जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत दूर है, वॉक बहुत करना पड़ेगा, हम लेट हो जाएंगे आगे के लिए और थक जाएंगे क्योंकि पैदल ही जाना पड़ेगा ट्रैक करके। यहीं खड़े हो जाए, यहीं पे फ़ोटो खींच देता हूँ। तो जी यहाँ बैठ के हो रहा है ब्रेकफास्ट, वो मेन्यू लाया, मैंने कहा मम्मी बताओ क्या खाओगी, तो मुझे कह रही ला इधर, तो फोटो देख के कह रही हैं ये क्या खाना है, इसमें बताओ मेन्यू है ये। और वो सामने ये बागसु वाटरफॉल। अच्छा गई हो आप? हाँ जाने वालस कर रही हो? बहुत अच्छा है, चलो फिर चलो। वो आ गया। तो जी हमारे नूडल आ गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे जिप लाइनिंग हो रही है, ये एक वहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। वो वाटरफॉल ये भी। टाइम हो रहा है 12:29 और सैंडिस किचन रिकमेंडेड, बहुत अच्छा है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, फूड बढ़िया ऐसा। अब हम जा रहे हैं वापस अंदर। गर्म पानी है क्या? ठंडा है? ठंडा पानी। हाँ चलो। तो जी अभी 1:17 और हम लोग वापस जा रहे हैं मेन स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ घूम लिया, मस्त शॉपिंग भी कर ली। तो जी अभी यहाँ ऑटो रोक दिया और यहाँ जाम लग रहा है क्योंकि वन वे है, तो वेट कर रहे हैं। और यहाँ से व्यू, ऐसा व्यू मस्त।
चलो तो जी अभी 39 और यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, खजूर खा लो। तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, मगर यहाँ जाम बहुत ज़्यादा, मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है। अभी सैटरडे है ना, इस चक्कर में गाड़ी हमारी यहाँ रोक रखी है, साइड में गाड़ी खड़ी है, फिर भी अब तो फंसेंगे जो भी आ रहे हैं लोग। मौसम भी तो बढ़िया हो गया एकदम, लेकिन कहाँ से लेकर कहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा जाम। चलो तो जी अभी 318 और हमारा प्लान था कसौली जाने का, मगर कसौली जाने में हमको यहाँ से 7 घंटे 30 मिनट 7.5 घंटे लग रहे हैं, तो हमने प्लान में चेंज किया। हम सोच रहे हैं धर्मशाला में ही स्टे कर लेते हैं और वहीं पे घूम लेंगे आज, फिर वहाँ से दिल्ली के लिए निकल लेंगे, क्योंकि यहाँ जाम बहुत है। देखो अभी तक गाड़ियाँ सब यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी है ना, बहुत जाम है, ऊपर तो और भी बहुत ज़्यादा जाम था। तो हमने डिसाइड किया है कि अब हम कहाँ रुकेंगे, धर्मशाला। जाम दूर तक है बिल्कुल, बोलो बहुत दूर तक जाम है, वीडियो दिखाओ। और ये बेचारा इनोवा वाला मेन स्क्वायर से आ रहा है हमारे साथ साइड में लगाने के चक्कर में, इसको जगह नहीं मिल रही है, बेचारा नीचे तक जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ ये वापसी आएगा कैसे आएगा, ये देखिए पूरा रास्ता ब्लॉक एकदम, इनका तो यही निकल जाएगा पूरा मकलेवाड़गंज जाम में। जी रास्ते में एक चर्च पड़ा था, हम इधर से जा रहे थे तो रास्ते में एक चर्च पड़ा था, वहाँ गाड़ी खड़ी करी है, मैंने बोला चले जाओ। देखो दोनों का फोटो शूट चल रहा है, इधर फोटो खिंचा रहे हैं। ये कोई एक चर्च है 1892 या पता नहीं कौन से सन का है, और ये यहाँ पे सेमेट्री है। तो जी यही चर्च था वो, और ये अपनी गाड़ी खड़ी, और यहाँ पे एक ऐसे फोटो शूट चल रहा है बढ़िया ड्रेस में। पहुँचते हैं आगे। तो जी जाते जाते हमको एक ऐसे सिटिंग मिली बहुत सही, ये है कुछ वर्षाशाली का राष्ट्रीय उच्च मार्ग, और यहाँ पे हम फोटो खिंचाने के लिए रुके हैं बस। ये तो जी 438 और ये नेक्स्ट रूम है, और ये ऐसा यहाँ पे मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ, वो बाहर से ऐसा व्यू है बालकनी से, ठीक है रूम। ये इसका बाहर हमारा लगेज वॉशरूम। तो जी अभी 526 और इस होटल में हम रुके हैं, ये होटल पद्मिनी, और अभी हम जा रहे हैं टी गार्डन।